आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न जो है सत्य और असत्य के बारे में बात हो रही है। कथन जो है वो सत्य है कि नहीं सत्य है। देखिए प्रश्न यहाँ पूछा है कि वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय ऑल ओवर जल वर्ष के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। ये हमें बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। आपको हम बता दें कि जो कथन है हमारा कि वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय ऑल ओवर जल वर्ष के रूप में मनाया जाता था, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये मनाया जाता था 2003 में ऑल ओवर वर्ष के रूप में, ठीक है। और आपको इसमें बता दें कि इस नियम में और एक क्या था, इसमें क्या था, इसमें जिन लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक करना था। किसके बारे में जागरूक करना था कि प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन संसाधन जो है वो निरंतर घट रहे थे, इसके प्रति जागरूक करना। निरंतर निरंतर घट रहे हैं या थे, घट रहे थे, उसके प्रति जागरूक करना था, जागरूक करना करना था, ठीक है। ये जो हम मना रहे थे अंतरराष्ट्रीय ऑल ओवर जल वर्ष के रूप में, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था कि प्राकृतिक संसाधन जो निरंतर घट रहे हैं उसके प्रति जागरूक करना। और आपको एक बात इसके साथ ही बता दें कि जो 22 मार्च को हमारा जो होता है वो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए ये बात, 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक है, हम मनाते हैं। तो ये जो कथन है कि वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय ऑल ओवर जल वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।